हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक, ओएसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, हर एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण, मैं आपके लिए डेली लेकर के आता हूँ 10 मिनट के टोटल 5 सेशन, यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के हों इस सेशन से बाहर नहीं जाने वाला है। यानी ये याद रखिएगा, चैनल का नाम करंट अफेयर्स इन 10। सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण, मेरे पास 9 सालों से भी ज्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो आप 30 से ज्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल, आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं जहां पर एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बैंक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है, जहां अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं तो टोटल फी है 6,000, 2 सालों के लिए कितनी है 7,200। जैसे आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करिएगा RPK10, याद रखिएगा RPK10, वो आपको क्या होगा कि 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जहां पर 1 साल के लिए फी थी 6,000 वहां हो जाएंगे 5,400 और जहां 2 सालों के लिए फी थी 7,200 वहां होंगे 6,480 रुपए लगेंगे। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10। आते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने किस राज्य की तेल कुआं आपदा की जांच के लिए समिति का गठन किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या आसाम? तो इसका आंसर क्या होगा? आसाम। यानी कि हम देखें अगर तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने असम में एक ऑयल इंडिया लिमिटेड में विस्फोट की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और इसके बाद हुई आग ने 2 अग्निशामकों को मार दिया, कम से कम 1 घायल हो गया, जिसका नेतृत्व टीके सेन गुप्ता करेंगे। यानी कहने का मीनिंग है, क्वेश्चन था कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने किस राज्य की तेल कुआं आपदा की जांच के लिए समिति गठन किया है, तो आंसर क्या होगा इसका? आसाम। दूसरा था नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक निवेश यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फॉर्म TPG टेक्सास पैसिफिक ग्रुप विल इन्वेस्ट 4,547 करोड़ इन विच कंपनी फॉर ए 0.93% स्टेक। वैश्विक फर्म निवेश TPG 0.93 स्टेक के लिए किस कंपनी ने 4,547 करोड़ रुपए निवेश करेगी? एयरटेल, HDFC बैंक, उबेर, जियो या जोमैटो? इसका आंसर क्या होगा? जियो। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घोषणा की कि अमेरिका स्थित निजी इक्विटी फर्म TPG जियो प्लेटफॉर्म में 0.93% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 4,547 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹1,829 करोड़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन विच स्टेट? केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1,829 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? पहला ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र की सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1,829 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने 2020-21 में महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1,829 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट US कंपनी टू हिट $1.5 trillion मार्केट कैप? कौन सा देश 1.5 trillion मार्केट कैप हिट करने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गया? गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला या वॉलमार्ट? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? एप्पल। यानी कि हम देखें तो एप्पल पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है जो $1.5 trillion मार्केट कैप तक पहुंच गई है और निवेशकों और विश्लेषकों के अनुसार मजबूत ऐप स्टोर की बिक्री, ARM चिप्स, RN मैक और 5G आईफोन या गिरावट क्यूपट्रिनो आधारित आईफोन निर्माता के स्टॉक में उछाल का कारण है। यानी क्वेश्चन था कौन सा देश 1.5 trillion मार्केट कैप हिट करने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? एप्पल। नेक्स्ट, कोविड-19 सुरक्षा मूल्यांकन पर 200 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है?
108वां, 23वां, 89वां, 56वां या 105वां। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या, 56वां। यानी कि सुरक्षा मूल्यांकन यानी कि सेफ्टी असेसमेंट के ख्याल से हम देखें तो 200 देशों में भारत का स्थान जो है वो कितने नंबर का है, तो 56वां। कोविड 19 से निपटने वाले देशों के सुरक्षा और जोखिम मूल्यांकन पर एक व्यापक रिपोर्ट में 200 में से 56वें स्थान पर भारत को रखा गया है। किस राज्य ने अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला, उत्तराखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल, केरला या तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या होगा, तो उत्तराखंड। नेक्स्ट, उत्तराखंड वन विभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस पर हल्द्वानी में पहला जैव विविधता पार्क खोला, बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां खोला गया, हल्द्वानी, कहां, उत्तराखंड में, जो राज्य में सबसे बड़ा है। उत्तराखंड का समर कैपिटल कहां है, तो गैरसेन, और विंटर कैपिटल कहां है, तो देहरादून। चीफ मिनिस्टर कौन, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है, पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर क्या है इसका, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में एक जंगली वन्य जीव अभ्यारण है, वनस्पतियों और जीवों में समृद्ध या अपने बंगाल के बाघों के लिए जाना जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया तो आप जाइए करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो 10% यानी 10% तक का आपको बैंक, SSC या हर तरह के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए याद रखिएगा आप GA by रवि प्रताप कर्ण, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं जहां कि हम आपको सेशन के बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।